सिविल कोड बार एसोसिएशन के नए कार्यकारिणी के चुनाव के तहत सोमवार को तीसरे दिन भी मतगणना जारी रही। सोमवार को देर शाम हुई मतगणना के बाद उपाध्यक्ष पद में ललित पांडे और संपूर्णानंद पांडे ने शानदार जीत हासिल की, जबकि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद में वीरेंद्र श्रीवास्तव और घनश्याम तिवारी विजयी घोषित किए गए। वहीं वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य और कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य की मतगणना देर शाम के बाद भी चलती रही। आपको बताते चलें कि सिविल कोड बार एसोसिएशन का चुनाव 18 अगस्त को आरंभ हुआ था, जिसमें अध्यक्ष के रूप में वीरेंद्र शाही, मंत्री में अजय कुमार शुक्ला को विजयी घोषित किया गया था। मतगणना कार्य के दूसरे दिन रविवार को कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद में धनंजय कुमार त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष में संजय कुमार मिश्र, संयुक्त मंत्री पुस्तकालय में देवेंद्र प्रताप सरोज, संयुक्त मंत्री प्रकाशन में धीरेन्द्र नाथ शुक्ला को विजयी घोषित किया गया था। मतगणना कार्य के तीसरे दिन सोमवार को वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेंद्र श्रीवास्तव, घनश्याम तिवारी तथा उपाध्यक्ष में ललित पांडे और संपूर्णानंद पांडे की जीत की घोषणा की गई, जबकि कार्यकारिणी सदस्य का मतगणना का कार्य देर शाम तक चलता रहा। एक तरफ जहां मतगणना कार्य चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ बधाइयों का दौर जारी था। इस मौके पर दीवानी कचहरी के अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित मंत्री अजय कुमार शुक्ला को बधाइयां दी। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नवनिर्वाचित मंत्री अजय कुमार शुक्ला ने कहा, के महामंत्री पद पर अपनी विजय हासिल किया है। हमारे कचहरी अधिवक्ताओं ने हमें बहुत सारा प्यार दिया है। मैं प्रयास करूंगा कि उनकी सारी समस्याएं जहां तक हमसे यथासंभव और एसोसिएशन के माध्यम से जहां तक बन पड़ता है उसको उन समस्याओं का समाधान करूं, अपने संगठन के साथ काम करके। दूसरी बात ये है कि सबसे सर्वोपरि हमारे लिए अधिवक्ताओं का गौरव और बार का गौरव है, जिसको मैं अक्षुण रखना चाहता हूँ। यहाँ जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं उनका भी सम्मान बना रहे, इसके लिए मैं सतत प्रयासशील रहता हूँ रहूँगा। और हमारी जो महिला अधिवक्ताएँ हैं, मैं उनको भी इस धन्यवाद के साथ और आशा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी भी रक्षा हमारे द्वारा और हमारे एसोसिएशन के द्वारा महत्वपूर्ण रूप से की जाएगी, विशेष रूप से की जाएगी। प्रथम दृष्टि से तो जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है उसमें न्यायालयों का अनियमित ढंग से कार्य करना, और जिससे काफ़ी अधिवक्ता उपेक्षा अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले माननीय जिला जनपद जो नवनियुक्त जनपद न्यायाधीश महोदय आए हुए हैं, उनसे बैठकर वार्ता करके इस संदर्भ में सबसे बड़ी है कि सबसे न्यायालयों में जो कठिनाइयां अधिवक्ताओं को महसूस हो रही हैं उसको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए, क्योंकि वो भी नए हैं, हमारी कार्यकारिणी भी नई है। उनके साथ बैठक करके एक समन्वय स्थापित करके अच्छा माहौल न्यायिक व्यवस्था का तैयार किया जाए, यही हमारी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता रहेगी। मंत्री बनने के बाद ऐसा कोई नहीं था, एक विजन है दिमाग में कि अधिवक्ताओं के जो उनकी सोच है उस पर, उनकी विचारधाराओं पर मैं अछू उतरूँ, महत्वपूर्ण काम करके उनके दिलों में अपना पुनः नए सिरे से जगह बना सकूँ, यही हमारी ये है। बाकी जो भी उनके लिए बेहतर होगा प्रयास करूँगा कि बेहतर ही कार्य उनके लिए किया।